हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माय मोबाइल से। तो आपके सामने एक नया वीडियो मैं ला रहा हूँ। बहुत कहते थे कि वीडियो के साथ थोड़ा कर दीजिए सर, तो चलिए एक वीडियो आपको मोबाइल के साथ करके दिया गया है, जिसमें मैं रेडमी नोट 9 पावर है उसका एमआई क्लाउड रेडमी नाइन पावर सॉरी उसका मैं एमआई अकाउंट हटाऊंगा अनलॉक टूल के द्वारा। तो अनलॉक में सपोर्ट दिया है, तो देखते हैं हम लोग इसे कर करके सच में ये होना है या वैसे ही है। तो Redmi 9 पावर देखिए, यहाँ पर मॉडल हमारा है। इसका टेस्ट पॉइंट देखेंगे सबसे पहले हम। तो टेस्ट पॉइंट देखने के लिए आपको यहाँ डायरेक्ट टेस्ट पॉइंट पर आकर अपना मॉडल लिखना होगा, 9 पावर या 9T, क्योंकि सारे मॉडल का सेम है। Redmi 9 देख लेंगे, Redmi 9 के अलावा आपका 9 पावर भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरे में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपना चूजर से टच करेंगे और अपना पोर्ट देखेंगे हमारा बनता है कि नहीं। उसके बाद एमआई अकाउंट एडीबी मोड इसने दिया, जबकि आपका काम ईडीएल मोड से भी होगा, क्योंकि इसमें एडीबी अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग करेंगे ईडीएल से। चलिए तो ईडीएल हम लोग कनेक्ट करते हैं, हमारा डिवाइस मैनेजर यहाँ ओपन है, यहाँ ईडीएल में देखेंगे हम लोग। चलिए कुछ तो आवाज़ आई है, पोर्ट हमको यहाँ भी दिख गया। अब हमें क्या करना है, रीसेट करना है डिजेबल एमआई क्लाउड। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रीसेट डिजेबल एमआई क्लाउड ओटीए, यदि आपको ऑनलाइन जो अपडेट आते हैं फ़ोन में उसे क्लोज करना है, बंद करना है परमानेंटली, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। नहीं तो आप रीसेट एंड डिजेबल एमआई क्लाउड पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका एमआई अकाउंट पल भर में चला जाएगा। और साथ के साथ इसमें अब एक नया है कि आपको अलग से FRP करने की जरूरत नहीं होती है, या आपका FRP भी अलग से कर देता है मतलब साथ में। और ये देखिए फायर हॉर्स कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है UFS चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है, 12.5.7 इसमें फाइल वर्जन है। और देखिए यूज़र डेटा इसका ओके, लॉक इसका हट चुका है, अब एमआई क्लाउड इसके हटने की टाइम है। इसमें जो सीपीयू यूज़ किया गया है 662, एसडीएम 662 है आपका एसएम। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये डिजेबल एमआई क्लाउड में थोड़ा सा वेट कर रहा है ये। और यहाँ पर देखिए देख सकते हैं डन हो चुका हमारा। तो इस प्रकार से एमआई अकाउंट और एफआरपी को करेंगे आप, तो आपका काम आसानी से अनलॉक टूल के द्वारा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ के साथ इसने एफआरपी भी कर दिया है, यानी एफआरपी के लिए फ़ोन को अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है, वापस से ईडीएल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फ़ोन को आप कनेक्ट कीजिए और आपका एफआरपी एमआई क्लाउड यूजर डेटा ये सारे को एक बार में डन कर देता है। जब ये डन हो जाएगा तो मैं आपको इसका पिक जरूर दिखाऊंगा, ताकि आप देखें और यकीन करें कि हाँ मैंने किया है अभी। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, इसमें आप जरूर जुड़ें और देखें कि किस प्रकार से क्लासेस में काम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शहजाद रिपर मोबाइल के साथ।